और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और नवें आयुर्वेद दिवस के मौके पर देश को बेहतर सुविधाएं देने की बड़ी सौगात दी है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में करीब 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें आयुष्मान भारत पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एक्सटेंशन के रूप में 70 साल और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ है। साथ ही उन्होंने कई स्वास्थ्य संस्थाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखी। AIIA के दूसरे चरण के तहत एक पंचकर्म अस्पताल, औषधि निर्माण के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई, एक केंद्रीय पुस्तकालय, एक IIT, एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन और 500 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम शामिल है। वहीं पीएम मोदी ने मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। साथ ही एम्स बिलासपुर, एम्स कल्याणी, एम्स पटना, एम्स गोरखपुर, एम्स भोपाल, एम्स गुवाहाटी और एम्स नई दिल्ली में सुविधा और सेवा विस्तार का भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी यूविन पोर्टल का शुभारंभ भी कर चुके हैं, जिसका मकसद गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान, विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है वो नौकरी देती तो है लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं।